से रोकता है, वो उसको अपने टाइम पे सख्त करता है ताकि वो हड्डी अगर वक्त से पहले सख्त हो जाएगी, आपकी ऑसिफिकेशन टाइम से पहले हो जाएगी, तो आपका कद वहीं पे रुक जाएगा। नरम हड्डी को सख्त हड्डी नेसेसरी फॉर योर बॉडी, फॉर योर डाइट, फॉर योर चिल्ड्रन डाइट, फॉर योर चिल्ड्रन हेल्थ, फॉर योर चिल्ड्रन कॉन्सेंट्रेशन, फॉर योर चिल्ड्रन हाइट। तो आपने वाइटामिन के टू को, मीन्स मक्खन को, अपने मक्खन की टिक्की को अपने बच्चे की डाइट में डेली में फेंक देना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अलहमदुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की वीडियो है मेरी बच्चों से रिलेटेड। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम मदर्स के होते हैं और बहुत सारे लोगों के होते हैं, बच्चों की हाइट से रिलेटेड, बच्चों की स्पीच डिले से रिलेटेड। जो बच्चे प्रॉपरली स्पीच नहीं कर सकते, देखें स्पीच डिले सिर्फ बोलने से ताल्लुक नहीं होता, इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट से ताल्लुक होता है। तो आज मैं आपको इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर, एक तो अगर आपका बच्चा देर से बोलना शुरू करे जिसे स्पीच डिले, अब बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, उसको आप खुराक के किस इंग्रेडिएंट से रोक सकते हैं, मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि जस्ट आपने खुराक देनी है और आपके बच्चे उस एक खुराक के जरिए आपका बच्चा उसकी स्पीच डिले की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, हाइट प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी और बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दूसरा, इस वीडियो में मैं आपको ये जवाब दूंगी कि आपके बच्चों की हाइट, उनकी हड्डियाँ, उनका फेस कट खूबसूरत आप मक्खन खिला के कैसे कर सकते हैं और क्यों उनकी डाइट में मक्खन शामिल होना चाहिए। मक्खन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हम नहीं समझते कि मक्खन को इंक्लूड होना चाहिए, रादर देन के फ्रूट्स और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हम समझते हैं कि दे देंगे तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। और कौन सी ऐसी, तीसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी सब्ज़ी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अंडों और फल वगैरह पर सब पे भारी है, सब सप्लीमेंट्स पर भारी है, ये बच्चों के लिए ADHD का इलाज करने के लिए, उनका फोकस इम्प्रूव करने के लिए कितना ज़रूरी है। ADHD एक हाइपर एक्टिव डेफिशिएंसी है जो कि बहुत सारे बच्चों में होती है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा होता, फोकस उनका डिवाइड होता है, फोकस इम्प्रूव नहीं हो पा रहा होता, किसी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो पहले सवाल के जवाब से हम स्टार्ट करते हैं। स्पीच डिले जो है ना, स्पीच डिले आपके पास जैसे जबान का काम तो नहीं है ना, हमारे बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी सेंसरी एक्शंस हैं हमारी बॉडी के, जिसमें हमारे पास बोलना भी आ जाता है, सुनना भी आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी भी आ जाती है, वो एक कोऑर्डिनेशन है दिमाग की और मसल्स की। अब वो मसल जिस्म के किसी भी हिस्से का हो सकता है ना, दिमाग और मसल की कोऑर्डिनेशन है, और अब वो मसल जो है वो जिस्म के किसी भी हिस्से का हो सकता है जिसकी कोऑर्डिनेशन चल रही हो हमारे दिमाग से। तो जैसे हमारे टंग का मसल है, ठीक है, हम समझ रहे होते हैं स्पीच डिले सिर्फ इसी को कहते हैं कि हमारी जबान और हमारे दिमाग का नहीं, जैसे टंग का भी मसल है ना, तो अगर इसकी कोऑर्डिनेशन में और इन सिग्नल्स की स्पीड में, यानी किसी स्पीड में सिग्नल ट्रांसफ़र होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फंक्शन ठीक से नहीं करेगा। आपके ब्रेन में जो स्पीच सेंटर लोकेटेड होता है ना, तो और आपके टंग मसल के दरमियान में जो होती है, उन सिग्नल्स को, उस कोऑर्डिनेशन को, और जिसम में बहुत सारे सिग्नल्स को, जो इंग्रेडिएंट्स, जो फैट कंट्रोल करता है और जो मुतासिर करता है डाइट में, उसको कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी फैटी एसिड है, यानी जिसम में नहीं बनता, ये जिसम में नहीं बनता, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसम में नहीं बनता, इसको खुराक के थ्रू, हमें बाहर की खुराक के थ्रू लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, वो आपके दिमाग के, आपके बच्चे के दिमाग, खास तौर पे 7 साल की उम्र में हमारे बच्चे की जो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सोचें उन सालों में ये बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डेवलपमेंट है वो 7 साल में कंप्लीट हो जाती है, तो उन सालों में हम जितना ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने बच्चे की डाइट में शामिल रखेंगे, वो उसके ब्रेन के लिए उतना ही पावरफुल होगा। हमारे बच्चों का जो दिमाग है ना, वो 2 कलर्स के एरिया में डिवाइड होता है, एक ग्रे मैटर, एक वाइट मैटर। ग्रे मैटर दिमाग का वो हिस्सा है जो कि आपके इंटेलेक्ट के लिए होता है, मतलब जिन बच्चों का ग्रे मैटर अच्छा होता है ना, वो पढ़ाई में ज़हीन होते हैं और वो बहुत लाइक होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ग्रे मैटर है वो आपकी जहानत को डिटरमाइन करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपकी अटेंशन को, आपके फोकस को, आपकी लर्निंग को, आपकी मेमोरी को, यानी ये चीज़ आप देखें कि ये चीज़ आप कितनी रिटेन कर सकते हैं। कुछ तो ये कुदरती तौर पे होता है, कुछ बच्चों में ये कुदरती तौर पे होता है बहुत ज़्यादा आपकी जो बच्चों की, और कुछ आप उनका और भी ज़्यादा डाइट का ख्याल रखें, इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो जी अगर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके बच्चे की डाइट में नहीं होगा, जो उसके ये सारे फंक्शंस अफेक्ट होंगे, ठीक है, और अगर आपके बच्चे में स्पीच डिले हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको उसको ओमेगा 3 देने की अशद ज़रूरत है। आप उसकी डाइट में ओमेगा 3 ज़रूर शामिल रखें, आप उसकी डेली की एक टिक्की ज़रूर शामिल रखें, चाहे आप उसको पराठा बना दें, चाहे आप उसको ब्रेड पे लगा दें, और अगर आप उसको उसी फॉर्म में खिला देते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और ये आपने मक्खन कहाँ से लेना है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ आपने किस फॉर्म में लेना है। और ऑथेंटिक सप्लीमेंट जो आपको बाज़ार से नहीं लेने चाहिए, वो है ओमेगा 3, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जो ओमेगा 3 है ना, उसकी जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड, पॉली अनसेचुरेटेड होते हैं, वो आप बाज़ार से नहीं ले सकते।
सॉरी, ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपने अंडे की जर्दी से लेने हैं, ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपने देसी घी से लेने हैं, ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड आपने ऑलिव ऑयल से लेने हैं, ये आपने नारियल के तेल से लेने हैं, ये आपने ग्राइंडेड नट्स और सीड से लेने हैं, आपने ऑर्गेन मीट से लेने हैं और रेड मीट से लेने हैं। तो ओमेगा थ्री फैटी एसिड का काम होता है जिस्म में इन्फ्लामेशन कम करना, इन्फ्लामेशन मीन जिस्म में सोजिश कम करना। तो होता असल में क्या है, आपके पास जो बच्चों में स्पीच डिले की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी होती है कि आपके दिमाग के डिफरेंट एरियाज में, ख़ास तौर पे फ्रंटल कॉर्टेक्स और उसके हिप्पोकैम्पस में जो है ना, जो नर्व्स होते हैं उनकी सोजिश हो जाती है, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उनकी इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उनकी उनकी कॉग्निशन और उनमें जो है ना स्पीच फंक्शन जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहे होते उनकी सोच। और ये जो ओमेगा थ्री है ना, जो ओमेगा थ्री है वो जो फंक्शन स्पीच के फंक्शंस होते हैं डिले हो रहे होते हैं ना, ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड उनको क्या करता है कि उनकी इन्फ्लामेशन कम करता है, उनकी सोजिश कम करता है, और जो नर्व्स वाला एरिया है जो आपकी मेमोरी में इन्वॉल्व है, लर्निंग में इन्वॉल्व है, फोकस में इन्वॉल्व है, अटेंशन में इन्वॉल्व है, उसके एड गेट भी सोजिश और मीन्स इन्फ्लामेशन कम करता है और आपके बच्चों के फंक्शन इम्प्रूव करता है। अच्छा जी, तो बच्चों का कद बढ़ाने के लिए डाइट में सबसे ज़रूरी क्या देना चाहिए? मक्खन देना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं इस मक्खन की बात नहीं कर रही जो बाज़ार में आप मार्जरिन मिलता है, पीला मक्खन मिलता है, और मार्जरिन तो जहर है। मैंने मार्जरिन पे थोड़ी सी रिसर्च की थी, ये प्लास्टिक है, मार्जरिन मक्खन नहीं है। जो पीला मक्खन और मार्जरिन टाइप के मक्खन मार्केट में मिलते हैं, इट्स नॉट अ मक्खन, तो ये प्लास्टिक है, मतलब कि जहर है। ये मैं उस मक्खन की बात कर रही हूँ जो काउ मिल्क से बनता है ना, जो ताज़ा आप निकालते हैं, आपने वो मक्खन देना है। उस मक्खन आपके पास विटामिन के टू मौजूद होता है इस गाय के दूध में, और इस गाय की जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होता है ना, वो विटामिन के वन को के टू में कन्वर्ट करता है, जो कि दूध की फॉर्म में बाहर निकल कर आता है। और इस दूध से जब आप मक्खन बनाते हैं ना, तो इसमें विटामिन के टू मौजूद होता है। विटामिन के टू का बच्चे के कद से बढ़ने से क्या ताल्लुक है? कि हमारा जब कद बढ़ रहा होता है ना, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक टाइम आता है जब हमारी हड्डियों की लेंथ जब कंप्लीट होनी होती है ना, हड्डियों की एंड में कार्टिलेज होता है, नरम हड्डी होती है, अल्लाह ताला चाहता है कि वो उस वक्त कुछ सख्त हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑसिफिकेशन, ठीक है। जिन लोगों की ऑसिफिकेशन अपने टाइम पे नहीं होती और वक्त से पहले कंप्लीट हो जाती है, तो उनका कद छोटा रह जाता है, उनकी हड्डी पूरी लंबी नहीं हो पाती। विटामिन के टू जो है ना, इस अननेसेसरी वक्त से पहले ऑसिफिकेशन यानी नरम हड्डी को सख्त हड्डी में तब्दील होने से रोकता है, वो उसको अपने टाइम पर सख्त करता है, ताकि वो हड्डी अगर वक्त से पहले सख्त हो जाएगी, आपकी ऑसिफिकेशन टाइम से पहले हो जाएगी, तो आपका कद वहीं पर रुक जाएगा। नरम हड्डी को सख्त हड्डी में तब्दील होने से ये रोकता है, इसको वक्त पर कराता है, और कद उतना ही लंबा होता है जितना भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ विटामिन के टू खुद तो फैट सोल्यूबल विटामिन है ही, लेकिन जिसम में जो बाकी फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, उनके जज्ब होने की स्पीड को भी विटामिन के टू बढ़ाता है। तो विटामिन के टू इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी, फॉर योर डाइट, फॉर योर चिल्ड्रन डाइट, फॉर योर चिल्ड्रन हेल्थ, फॉर योर चिल्ड्रन कॉन्सेंट्रेशन, फॉर योर चिल्ड्रन हाइट। तो आपने विटामिन के टू को, मीन्स मक्खन को, अपने मक्खन की एक टिक्की को अपने बच्चे की डाइट में डेली में फेंक देना है, अपने जहन में बिठा लेना है, अपने बच्चे की डाइट में देसी मक्खन या सॉरी देसी घी या मक्खन, लेकिन मक्खन हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर ज़रूर ऐड रखना है। अच्छा, विटामिन ए के जज्ब होने की स्पीड को बढ़ाता है। विटामिन ए आपके बच्चे की आईसाइट में हेल्प करेगा, विटामिन ए जो है आपके बच्चे की आईसाइट को बढ़ाता है, उसे इम्प्रूव करता है, स्किन को इम्प्रूव करता है, फ्यूचर में अगर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्प्रूव करेगा। विटामिन डी आपके बच्चे की हड्डियाँ मजबूत करेगा, उसके दांत मजबूत करेगा, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत करेगा, उसका मूड इम्प्रूव करेगा। मूड जो ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो वो भी डाइट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है, तो उसको भी इम्प्रूव करेगा। मक्खन की एक टिक्की अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ये सब जो है ये रिसर्च करके, और मतलब इस तरह से मैंने ये नहीं कह रही है, आप इन सब चीज़ों को अपने बच्चों के लिए ज़रूर 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 अपने बच्चों की डाइट में ऐड रखें, जो जो मैंने बताया है। तो आपके बच्चों की स्पीच डिले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्ट ये ज़बान का रुकना, या इसको नहीं कहा जाता, ये ADHD भी इसी में आ जाता है। कोई भी आपके बॉडी मसल्स हैं, उनकी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन ब्रेन से हो रही होती है किसी भी मसल की, तो उसको हम कहते हैं स्पीच डिले। तो ये सब उसमें हेल्प करेगा आपकी। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको सब बातें बहुत समझ में आई होंगी, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।